आज आपके लिए एक सफर मैंने बनाया है आज। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शाम का टाइम है, किचन में आई हूँ, बर्तन लगाना स्टार्ट कर दिया है। सबके घरों में यही काम होता है इवनिंग में, बर्तन लगाना। आप लोग वो कौन कौन है जो ऐसा करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे कई बार आप लोग के कमेंट आए हैं कि आप भी ऐसा ही करते हैं, एंड आई होप कि जब आप शाम को ये व्लॉग देख रहे होंगे तो आप भी अपने घरों में बर्तन लगा रहे होंगे। तो गाइज, मैं यहाँ पे अभी अप्लाई करने जा रही हूँ रेजी श्योर का 10% विटामिन सी प्लस 1% एसिटिल ग्लूकोसामाइन फेशियल सीरम, जिसको अप्लाई करने से मेरी स्किन जो है वो एकदम अच्छे से बूस्ट हो जाएगी, एंड जो साइंस ऑफ एजिंग की ओर मेरी स्किन बढ़ रही है उसको भी वो रिलीफ देगा, और मेरी स्किन का टेक्सचर ब्राइटन होगा, एंड मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, एंड साथ ही साथ मेरी स्किन का जो हाइड्रेशन ख़त्म हो चुका है वो इसको इम्प्रूव करेगा। इट हेल्प्स ऑयल कंट्रोल एंड प्रिवेंट यूवी इंक्लूड पिगमेंटेशन। दिस इज़ अ सुपर सीरम फॉर एड्रेसिंग मल्टीप्लाई स्किन इश्यूज एट द सेम टाइम इट्स टाइम फॉर स्किन दैट ग्लो। तो पैकेजिंग तो मैंने आपको दिखा दी है, ये इस तरह के कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आता है। चलिए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। इसमें है 10% विटामिन सी एंड 1% ग्लूकोसामाइन, एंड इसमें है हाइलुरोनिक एसिड जो कि हमारे स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड सफल बनाता है, हमारे स्किन में जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको दूर करता है। चलिए लगाने का तरीका देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल ईजी है। आप जब इसको बॉटल को ओपन करते हैं तो ये एक ड्रॉपर फॉर्म में आता है, इसको आपको 2-3 ड्रॉप्स लेकर के अपने फेस पे या फिर फिंगर टिप्स पे ले लेना है, एंड अप्लाई करना है जेंटली सर्कुलर मोशन में, एंड स्प्रेड करना है पूरे फेस एंड नेक पर। जब ये हमारी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो 1-2 मिनट के बाद हम इसके ऊपर अपना जो भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं वो अप्लाई कर लेंगे। तो इस सीरम को आप 2 बार भी अप्लाई कर सकते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग में, एंड इसके अप्लाई करने के बाद आप SPF 30 भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं व्हाइल यूजिंग विटामिन सी सीरम। तो चलिए अब आप समझ गए होंगे कि ये सीरम कितना अच्छा है, एंड अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड मैं आपको ये भी बता दूँ, ये वीगन है, क्रुएल्टी फ्री है, ये डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड है, एंड सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप है, इसमें किसी भी तरह का टॉक्सिन नहीं है। इसका जो प्राइस है वो 599 है, एंड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कर लीजिएगा। तो बस अभी यहाँ पे शाम का टाइम है, मैं यहाँ पे पीहू के लिए दूध बना रही हूँ। आज थोड़ा सा हल्दी डाल के दे रही हूँ जिससे कि उसकी जो थोड़ी सी कोल्ड है वो ठीक हो जाएगी। अभी उसको गर्म है, मैं उसको ठंडा कर रही हूँ, और वो बैठी है अपना बाहर वाले रूम में। कभी कभी थोड़ा टीवी देखती है, फिर अपना थोड़ा काम करती है, वो ना एक्टिविटी क्लासेस बहुत देखती है अपना टीवी में, सो दैट वो उससे मतलब सीखती है, और फिर वो मेरे साथ वो क्वेश्चन वगैरह करती है, फिर अपनी डॉल को पढ़ाती है, इस तरह से वो अपना शाम का टाइम इंजॉय करती है। और बस आज मैं सोच रही हूँ हलवा बनाने के लिए भी, तो देखते हैं कि कब बनता है गाजर का हलवा। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोग के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए कि गेट वेल सून, तो मैं बहुत जल्दी अच्छी हो जाऊँगी। थोड़ा सा जुकाम है, आज सेकेंड डे है, कल तक बिल्कुल फाइन होने वाली हूँ मैं, ठीक हो जाऊँगी। और अभी मैंने अदरक वाली चाय पी है, बहुत अच्छी, ढेर सारा अदरक डाल के बर्तन वगैरह में लगा रही थी। आज लंच में मैंने बनाया था कढ़ी चावल, तो कढ़ी आज आप लोग सोचोगे कढ़ी नहीं खाना चाहिए था क्योंकि कोल्ड है। एक्चुअली हुआ ना, हुआ क्या कि हवा आ रही है बहुत अच्छी और बाल उड़ रहे हैं, आवाज़ पता नहीं आ रही है कि नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, बट हवा आ रही है। तो एक्चुअली छाछ रखी हुई थी, दही मट्ठा वो रखा हुआ था, सो उसको बनाना ज़रूरी था वरना वो ख़राब हो जाता, इसलिए मैंने उसको बना लिया। पीहू थोड़ी देर टीवी देख रही है, अभी मैंने उसका होमवर्क वगैरह करा दिया है, उसके लिए मैंने दूध गर्म किया है, अभी मैं उसको दूध दे देती हूँ। आज जो बॉर्नविटा बोल रही है तो उसको मैंने बॉर्नविटा डाला है बहुत थोड़ा, ये देखिए जरा सही डाला है, तो इस तरह से करके दूंगी। और क्या, और तो कुछ भी नहीं है अभी, चलो अभी पहले इसको दे देती हूँ। गाइस, चंद्रमा देखिए कितना प्यारा वाला निकल रहा है। फोकस फोकस, आजा आजा फोकस, नहीं हो रहा है फोकस,
अभी बाहर वाली विंडो से मैं दिखाती हूँ, मैं अंदर बेडरूम वाली विंडो पे बैठी हुई हूँ। तो दूर से अगर आपको दिख रहा है ना, ये देखिए ये, तो आज आई थिंक फुल मून है। सो गाइज, मैंने यहाँ पे दाल खिचड़ी जो है वो छौंक दिया है एंड ये बनाने जा रही हूँ मैं चटनी। आज मैंने चटनी में थोड़ी सी यहाँ पे ये सिंग दाना यानी कि मूंगफली के दाने जो है वो डाला है एंड लेमन, खटाई के लिए लेमन ही लगाया डाला है। अब मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह किया है, अभी जो मेरी हाउस हेल्पर आएंगी तब वो क्लीन करेंगी, और डस्टिंग वगैरह तो मैं ही करती हूँ पता ही है आपको। और मैं यहाँ पे कुछ अपना ऐसे ही वीडियोस वगैरह देख रही थी, कमेंट्स वगैरह आपके पढ़ रही थी। सो अभी एक फ़नी चीज़ होने वाला है, एक ना आग प्रैंक करने वाले हैं हम दोनों, मैं मेरे हस्बैंड के ऊपर। तो देखती हूँ कि क्या रिएक्शन होता है उनका। तो अभी वो आएंगे थोड़ी देर में, फिर आगे आपको देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून, और अब चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे इस तरह के और भी फनी वीडियोस आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बैक टू बैक। ये किस लड़के से चैट कर रही हो? क्या है, दो मेरा फोन दो। क्या मतलब है फोन दो? अरे अरे फोन दो। कौन है ये? कौन है? कुछ नहीं है। कैसे तुम चैट कर रही हो यार? चैट में अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। क्या फ्रेंड? फ्रेंड से बात कर रही हूँ। कौन सा फ्रेंड? फ्रेंड लड़की। लड़की? हाँ फ्रेंड से बात कर रही हूँ। लड़के की फोटो क्यों लगाई है इसने? मेरे हस्बैंड की फोटो लगाई है। हस्बैंड का क्या मतलब है? अरे तो लोग अपने हस्बैंड की फोटो नहीं लगाते? मैं तो नहीं लगाता, मतलब तुम तो नहीं लगाती हो मेरी फोटो? लगाती हूँ मैं। मैंने तो देखा नहीं कभी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लगा दिया जाता है। अब ये ऐसे थोड़ी ना, आपने उसमें डीपी में कोई लड़के की फोटो लगा दी, ऐसे थोड़ी ना होता। लड़का क्या है, लड़के की फोटो थोड़ी ना, इसमें तो अपने हस्बैंड की फोटो लगी है। वाह, कौन है ये? कौन है? मेरी फ्रेंड है। तो गाइस वर्मा जी को यहाँ पे डाउट हो रहा है कि मैं अपने फ्रेंड से बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ ऐसा? यार तुम जब लड़के की फोटो है तो और क्या डाउट होगा? लड़के की फोटो का है ये? अगर यहाँ फोटो बात कर रही हो इतनी लगन के साथ। हाँ मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ, प्रैंक कर रही थी आपके ऊपर, बट वो प्रैंक रॉन्ग हो गया। तीस सेकंड में, हाँ छोटे छोटे प्रैंक बनते हैं, बट हम और ट्राई करेंगे अच्छे अच्छे प्रैंक बनाने के लिए, और अच्छे बनाएंगे। चलो ओके बाय। तो अभी मिस्टर वर्मा जा चुके हैं ऑफिस, और मैं उनको प्रैंक करने की कोशिश कर रही थी बट वो प्रैंक उल्टा ही हो गया। एक्चुअली मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप लोग को थोड़ा सा फन आएगा, और भी बहुत सारे प्रैंक मैंने सोचे हैं, उसकी स्क्रिप्ट वगैरह मैं सोच रही हूँ, उसके बाद ही मैं करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलो अभी मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ अभी तक। सो हेलो एवरीवन, अभी शाम का टाइम है और मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ गाजर घिसने के लिए, क्योंकि हलवा बनाना था, कल कुछ नहीं बनाया तो अभी सोचा है अब चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो गाजर है ये, 1 किलो पे 4 गाजर आई हैं बड़ी बड़ी मोटी मोटी। सो पहले इनको मैं वॉश कर लूँगी, फिर अच्छे से ग्रेट घिस लूँगी, मतलब खुरच लूँगी, जो थोड़ी बहुत गंदगी है वो हट जाएगी, और फिर उसके बाद मैं इसको घिसना शुरू करूँगी। यहाँ पे मैंने खाना बनाने के लिए रख दिया है दाल रोटी सब्जी, सिंपल सा खाना बना रही हूँ आज। और कभी कभी ना सादा खाने का मन करता है, और फिर आज मुझे हलवा भी बनाना था तो काम थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है जब कुछ आप एक्स्ट्रा चीज़ें बनाते हो ना, तो इस तरह से बैलेंस कर लेती हूँ काम को करने के लिए। तो वही है, एंड मैं यहाँ पे गाजर जो है वो घिस रही हूँ बट दिख नहीं रहा है क्योंकि कुकर सामने रखा हुआ है।
मैंने गाजर घिसना स्टार्ट कर दिया है और मुझसे घिस ही नहीं पा रहा था। पता नहीं क्या हो गया है जो मुझसे घिस ही नहीं रहा है गाजर, जबकि गाजर मोटी मोटी मैंने सोचा स्टार्ट करती हूँ घिसना, बट वो अच्छे से घिस नहीं पा रही हूँ मैं। सो गाइस, मैंने इतनी सी गाजर जो है वो ग्रेट करी है, बट ये पतली पतली गाजरें हैं ना, तो ये मेरे से अच्छे से होगा नहीं। तो अभी मैं इसको रख देती हूँ, अभी खाना वाना बना लेते हैं। खाने में सिंपल सी आज दाल सब्जी रोटी बनाने वाली हूँ मैं, और वर्मा जी आएंगे तो रात में वो इसको ग्रेट करेंगे, मेरे से नहीं हो गई है। तो आज वर्मा जी को आते ही मैं सरप्राइज देने वाली हूँ कि ग्रेट करो बाबा। तो चलो, गुड इवनिंग। हेलो, आज आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ, क्या? आइए आइए, दिखाते हैं। सरप्राइज दिखाते हैं। आइए। ये आपके लिए ग्रेट करना है इसको। अरे यार, नहीं नहीं, मैंने देखो ना, मैंने जो है वो थोड़ा घिसा है, बट ये डैडी के लिए सरप्राइज है। डैडी को इसको ग्रेट करना है। खाना वाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से कल तक कल बनाएंगे हम हलवा। शो। फिर हलवा मिलेगा सरप्राइज में। अच्छा, ठीक है, अभी से सरप्राइज। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, चलो अभी खाना खाते हैं। तो इधर डिनर वगैरह करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ ना ग्रॉसरी मंगाई थी अमेज़ॉन से, आटा वगैरह एंड थोड़ी सी वेजिटेबल्स थी, वो सब आया था, उसको मैंने रिसीव किया। बैगन भी मंगाया है, लौकी एंड थोड़ी सी तोरी। मैं सोच रही हूँ कि बहुत दिन हो गए हैं सांभर नहीं बनाया है, तो वो बनाना है। 10:30 बज रहा है, पता है मेरे को स्लॉट ही मिला था 10 से 12 के बीच का, बट मैंने कहा ठीक है कर देती हूँ। पीयू का बहुत दिन से मन है डोसा खाने का, तो बनाऊँगी अब आज कल में किसी दिन डोसा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। एंड मैं किचन में थी, टिफिन बना रही हूँ आज, छोले रोटी। वर्मा जी के लिए चावल नहीं बनाऊंगी। यहाँ पे वर्मा जी का गिटार रखा हुआ है। अच्छा, तब से आप लोगों ने देखा ही नहीं वर्मा जी को गिटार बजाते हुए। मेरी हाउस हेल्पर भी बोल रही थी कि भैया को मुझे गिटार बजाते हुए देखना है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो बजाते हैं तो मैं रिकॉर्ड करूँगी। एंड अभी गाजर नहीं घिसी गई है, कल वर्मा जी को मैंने बोला कि आपके लिए सरप्राइज है, गाजर घिसो बैठ के। जस्ट मैं फ़न कर रही थी उनसे, थोड़ा मजाक कर रही थी, आते ही तो खैर मेरे को नहीं करवाना ही नहीं था उनसे, बट फिर वो गाजर घिसी भी नहीं गई है। अभी मैं घिसती हूँ, उसको ग्रे करना है। बोलूँगी भारती दीदी को, अगर वो कर देती हैं तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा नहीं तो फिर मैं करूँगी। एराज पता है मेरे ना चोट लग गई है, देखिए दिख रहा है, स्वेल हो गई है फिंगर भी। हुआ क्या, सुबह मैं वॉक के लिए जा रही थी, तो ये जो बाहर वाला गेट है ना, ये मैंने जब बंद किया तो मेरी उंगली दब गई, बहुत ज़ोर से लगा था उस टाइम, तो इतना दर्द हुआ, बट क्या कर सकते हैं, लग गई थी चोट। सो गाइस, मैंने यहाँ पे गाजर जो है वो घिस ली है, वर्मा जी का वेट नहीं किया है। एंड ये जो पतली पतली सी है ना गाजरें, ये मैं छोड़ देती हूँ, मतलब जाने देती हूँ। इतनी ही गाजर का पहले हलवा बनाती हूँ। 1 किलो गाजर थी, बट मुझे लग रहा है मैंने आधा किलो तो जो है वो घिस लिया है। आज पूरे वीडियो में गाजर ही गाजर हो गया, नहीं मतलब गाजर घिसो, गाजर घिसना है, गाजर पतली है, गाजर मोटी है, यही चल रहा है। खैर कोई बात नहीं, अभी मैं बनाऊंगी हलवा, थोड़ा सा बर्तन वर्तन क्लीन हो जाए उसके बाद। तो गाइज, मैंने रख दिया है हलवा बनने के लिए गैस पे कढ़ाई भर करके उसको, और अब बस इस व्लॉग का एंड कर देते हैं। हलवा बन जाएगा, उसका प्रोसेस बाद में रिकॉर्ड करूँगी, किसी और व्लॉग में शेयर कर दूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। एंड आई होप आज के व्लॉग को आपने एंजॉय किया होगा, हमारा प्रैंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा। इंडियन व्लॉगर बुलबुल के चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, एक बात और ज़रूरी है वो बोल देती हूँ कि जो मैंने ये गिव अवे वाला वीडियो किया था, जो गिव अवे वाला वीडियो है ना, हार्ट आपको उसी वीडियो पर जाके देना है, ना कि इस वीडियो पर। तो मैं देख रही हूँ कि रोज़ लोगों के हार्ट आते हैं, वो पिंक कलर वाला हार्ट, स्टार वाला, बट वो उसी वीडियो पे चाहिए है, इस वीडियो पे नहीं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो पे जाकर के हार्ट अपना ज़रूर दीजिए, अगर आप उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। चलो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।